नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा एंटरटेनमेंट में और हम लेकर आते हैं आपके लिए बॉलीवुड से चटपटी खबरें। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों पेरेंटहुड को एंजॉय कर रहे हैं। बी टाउन के स्टार कपल ने पिछले साल 6 नवंबर को बेटी का इस दुनिया में स्वागत किया था। बाद में दादी नीतू कपूर ने अपनी पोती का नाम राहा रखा है। राहा अब 2 महीने की हो गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक रणबीर और आलिया ने अपनी लाडली का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है। फैंस रणबीर और आलिया की बेटी का चेहरा देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन अब आखिरकार मीडिया ने राहा कपूर का चेहरा देख लिया है। दरअसल रणबीर कपूर, नीतू कपूर और आलिया भट्ट ने मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ एक स्पेशल गेट टुगेदर रखा था। इस दौरान रणबीर कपूर ने पेप्स को अपने फ़ोन में अपनी बेटी राहा की तस्वीर दिखाई, लेकिन साथ ही स्टार्स ने मीडिया से उनकी बेटी का फ़ोटो क्लिक न करने और उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की थी। बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद पिछले साल 14 अप्रैल को शादी रचाई थी। शादी के कुछ समय बाद ही एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी फैंस को दी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद 6 नवंबर को आलिया भट्ट ने एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया, जिसका नाम राहा रखा गया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आए थे। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान और नागार्जुन ने कैमियो किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब जल्द ही रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म मैं झूठा तू मक्कार में नजर आएंगे। यह फिल्म 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।